यदि आप दृढ़ संकल्पित और समर्पण के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेंगी। जी हाँ दोस्तों, यह कथन किसी आम इंसान का नहीं बल्कि फर्श से लेके अर्श तक का सफर तय करने वाले बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी जी का है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल MPS गुरुकुल में। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि सफल लोगों में वो कौन सी आदतें होती हैं जो सबसे अलग रखती हैं उन्हें। वो पहली आदत थी कि सफल लोग सपने देखते हैं। दूसरी आदत थी कि सफल लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आज जिस विषय पे हम वीडियो बना रहे हैं वह तीसरी आदत है, और वो आदत है कि सफल लोग समर्पित होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, सफल लोगों के जो सामान्य गुण है वे दृढ़ संकल्पित और समर्पित होते हैं। वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। उन्हें वो जुनून होता है अपने काम के लिए, अपनी सफलता के लिए, इसलिए वो लोग अपने काम को लेकर समर्पित होते हैं। वे सारे आवश्यक कदम उठाते हैं जो उन्हें सफल होने में मददगार साबित होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो किसी भी कदम उठाने से घबराते नहीं हैं। लाइफ में कोई भी रिस्क लेना हो वो लोग लेते हैं, वही लोग सफल होते हैं। वे विफलताओं और झटके से घबराते नहीं हैं। दोस्तों कहा जाता है कि गलतियां उसी से होती हैं जो कुछ करता है। आप अगर कुछ करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि गलतियां होंगी। जो कुछ नहीं करता है, चुपचाप घर बैठे रहता है, निश्चित तौर पर उससे कोई गलती नहीं होगी। उन गलतियों से सफल लोग सबक लेते हैं और घबराते नहीं हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखते कि मेरे जीवन में क्या घटना दुर्घटना घटी। जी नहीं, वो आगे की सोच रखते हैं। वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। वो किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार होते हैं मेरे दोस्तों। वो किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार होते हैं। अगर आप में वो गुण आ जाए तो आपको भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सफल लोग अपने कौशल को बढ़ाते हैं। वो अपने कौशल को प्रतिदिन एक घंटा का समय देते हैं कि कैसे मेरा कौशल बढ़े। मैं जिस क्षेत्र में हूं, मैं लेखन के क्षेत्र में हूं, गायन के क्षेत्र में हूं, या जिस भी क्षेत्र में हूं, प्रतिदिन एक घंटा अपने कौशल को बढ़ाने में देते हैं। ऐसे लोग उत्साही होते हैं। बिना उत्साह के कुछ नहीं हो सकता। अगर उत्साह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जब लड़ाई छिड़ती है तो सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक राजा के पास एक बूढ़ा हाथी था। वो कई जंगों को जीत चुका था लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो दलदल में फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा था। राजा ने तमाम संसाधनों का उपयोग किया लेकिन वो हाथी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि वो मान चुका था कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरे दोस्त, राजा का एक बुड्ढा मंत्री जिसके पास अनुभव था, उसने कहा कि इसे युद्ध का मैदान का आभास कराओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, शंख बजाओ, दुंदुभी बजाओ। ऐसा कहने के बाद जब ये सारी चीजें हुई, वो हाथी ऐसे उठ खड़ा हुआ और दलदल से बाहर निकल गया। तो अगर आपके अंदर उत्साह है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और सफल लोग अपने भय को पराजित करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा, क्या इसका परिणाम होगा, क्या इसका दुष्परिणाम होगा। मेरे दोस्त, अगर आप दुष्परिणाम की चिंता करेंगे आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने रिजल्ट को लेके कभी मत सोचना कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप सीखोगे। और सीखने की सतत प्रक्रिया अगर जारी रही आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। अगर हम उदाहरण लें तो अपने देश के राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी जी का नाम सबसे पहले आता है। वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, वो आजादी के प्रति समर्पित थे। दोस्तों, हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके बच्चे उन्हें पिता नहीं मानते। सोचिए, जिस मानव को पूरा देश राष्ट्रपिता मान रहा हो, स्वयं के उनके बच्चे उन्हें एक अच्छा बाप नहीं समझ सकते, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने देश के लिए समय दिया, तो वो समय बच्चों का जो समय था, उस समय को निकाल कर उन्होंने देश को दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको राष्ट्रपिता बनना है, तो अपने बच्चों का आप परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर सकते। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, बराक ओबामा जी, जो कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे और पहले अफ्रीकन अमेरिकन राष्ट्रपति बने, पहला व्यक्ति जिसने समर्पित किया अपने आप को, अपने देशवासियों को ये बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैं कितना जागरूक हूं। दोस्तों, अमेरिका में इलाज कराना बहुत महंगा होता है, और स्वास्थ्य सेवाओं को मुद्दा बनाकर ओबामा जी चुनाव जीते और इतिहास रचे। अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करें, आप सारे लोग भली भांति परिचित हैं, विराट कोहली, एक ऐसा नाम जिसको सुनकर ही मन में गर्व की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति जब रणजी खेल रहा था, उनके पिता प्रेम कोहली जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आप सोचिए कि मैं क्रिकेट खेल के आया, रात में मेरे पिता का देहांत हो गया, क्या मैं अगली सुबह मैच में जाऊंगा? आम आदमी नहीं जा सकता, लेकिन वो आम आदमी नहीं था, वो सफल व्यक्ति था, उसके अंदर वो जुनून था, उसके प्रति वो समर्पण था अपने खेल के प्रति। उसने अगली सुबह कोच को फोन किया और कहा कि कोच सर, आज का मैच मैं खेलूंगा। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, घर में पिता की लाश पड़ी है और तुम कह रहे हो कि हम मैच खेलेंगे। उन्होंने कहा कि सर, मेरे पिताजी जीवन भर यही चाहते थे कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनूं, अगर मैं आज मैच नहीं खेला तो निश्चित तौर पर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, विराट कोहली ने वो मैच खेला और मैच की समाप्ति के बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। वो समर्पण, वो जुनून निश्चित तौर पर आपको आगे ले जा सकता है। आज विराट कोहली का नाम इतिहास में दर्ज है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा। अगर आप समर्पित हुए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। और चलते चलते मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो ही हम आगे ऐसी वीडियो लेकर आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।